तो नमस्कार दोस्तों, आज जो है कि बिहार मंत्री परिषद की बैठक जो है कि शाम 4 बजे हुई है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 31 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार कैबिनेट में कौन से 31 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन योजना DPRO के लिए जो है कि 15,91,16,000 रुपये जो है कि स्वीकृत किए गए हैं। कृषि विभाग के लिए जो है कि बिहार कृषि सेवा कोटि सांख्यिकी समूह क एवं य में पदों का सृजन किया गया है। कृषि विभाग का जो है कि तीसरा प्रस्ताव भी है, जिसमें जो है कि कृषि विभाग में समूह क ख के ग के पदों का सृजन किया गया है। चौथा प्रस्ताव खेल विभाग का है, जिसमें जो है कि बिहार पटना आवंटित कार्यों के संपादन एवं संचालन हेतु छात्र एवं कल्याण निदेशालय के द्वारा जो है कि पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। वहीं पांचवा प्रस्ताव भी खेल विभाग का है, जिसमें नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन जो है कि खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु जो है कि राशि को स्वीकृत किया गया है। और जो है कि आपको बताते चले, छठा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसमें बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे नियुक्ति और नौकरी देने की नियमावली को अनुमोदन किया गया है। सातवां प्रस्ताव भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसमें मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत सहरसा न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश का एक पद सृजित किया गया है। आठवां प्रस्ताव श्रम संसाधन विभाग का है, जिसमें 7 निश्चय योजना अंतर्गत संचालित पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल अनुमंडल अंतर्गत रक्सौल के भवन के निर्माण कार्य की तकनीकी को अनुमोदन हेतु जो है कि 32,66,02,000 रुपये की स्वीकृति की गई है। नौवां प्रस्ताव नगर विकास विभाग का है, जिसमें जो है कि स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों के सप्तम वेतन पुनर्निरीक्षण का लाभ दिए जाने के हेतु नगर निकाय के लिए खुशखबरी है, जिसमें स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतन पुनर्निरीक्षण का लाभ प्रदान दिए जाने को स्वीकृति दी गई है। दसवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग का है, जिसमें कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर जिला अंतर्गत खगड़िया बखरी आदि में जो है कि प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 11वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग का है, जो नालंदा जिला अंतर्गत नालंदा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या B1 रेलवे जो है कि किलोमीटर के बदले पहुंच पथ और RO/B के निर्माण हेतु जो है कि 75,32,00,000 रुपये को स्वीकृति दी गई है। 12वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग का है, जिसमें भी जो है कि अनुमानित लागत को स्वीकृति दी गई है। 13वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग का है, जो राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों के सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याता डिमोनेस्टेटर ट्यूटर के पदों को 1 वर्ष के लिए नियमित नियुक्ति होने तक पहले जहां हो मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता अतिथि डिमोनेस्टेटर की सेवा ली जाएगी को स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का जो है कि 14वां प्रस्ताव है, जिसमें राज्य के 38 जिला अंतर्गत 61 अनुमंडलीय अस्पतालों में 2 दंत चिकित्सक महाविद्यालय अस्पतालों को जो है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में जो है कि पद के सृजन को स्वीकृति दी गई है। 15वां प्रस्ताव परिवहन विभाग का है, जिसमें बिहार मोटर गाड़ी नियमावली को स्वीकृति दी गई है। 16वां प्रस्ताव मद्य निषेध उत्पाद विभाग का है, जिसमें उमलेश प्रसाद तत्कालीन अवर जिला निबंधक पूर्णिया संप्रति अवर निबंधक को दंड अधिरोपित किया गया है। 17वां प्रस्ताव राजभूमि सुधार विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना को जो है कि शिथिल करते हुए पटना सदर अनुमंडल की स्वीकृति दी गई है। और जो है कि 18वां प्रस्ताव लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत मुख्य न्यायालय वाहन चालक 3 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी गई है। 19वां लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का प्रस्ताव है, जिसमें जो है कि प्रमंडलों में असैनिक आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित करने को स्वीकृति दी गई है। 20वां प्रस्ताव विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का है, जिसमें पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी भौतिकी शासनार्थ गणित विषय के जो है कि जानकारों के पद को स्वीकृति दी गई है। 21वां प्रस्ताव बिहार विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग का है, जिसमें 118 पदों और 67 पदों भौतिकी 30 पदों और जो है कि कुल मिलाकर 732 पदों को स्वीकृति दी गई है। विधि विभाग का 22वां प्रस्ताव है, माननीय उच्च न्यायालय पटना की पदस्थापना में IT समवर्ग प्रोग्रामर 2 के पदों को स्वीकृति दी गई है।
23वां प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का है, जिसमें राज्य के नागरिकों के परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार करने और एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिहार वन को विकास हेतु कुल जो है कि 85,23,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। 24वां प्रस्ताव वित्त विभाग का है, वित्त बजट के पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु इसकी सॉफ्टवेयर ड्राइव उपलब्ध कराने हेतु नियमावली 2005 के नियम 131 के खंड ड में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। 25वां प्रस्ताव गृह विभाग का है, राज्य के विभिन्न कराओं एवं कारा अस्पताल प्रबंधन हेतु कारा चालक के कुल 67 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी गई है। 26वां प्रस्ताव श्रम संसाधन विभाग का है, जिसमें श्रम आयुक्त बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय और समान तकनीकी आंसू लिपिक आंसू टंकिक समवर्ग मूल कोटि के स्वीकृत 61 पदों के विभिन्न श्रेणियों में आंसू टंकक के कोटि 3 के ग्रेड 3 के पदों को जो है कि कार्यालय वार चिन्हित करने को स्वीकृति दी गई है। 7वां प्रस्ताव वित्त विभाग एवं वित्त वैयक्तिक निर्धारण एवं बिहार पटना के सॉफ्टवेयर के रखाव को स्वीकृति दी गई है। 28वां प्रस्ताव विधि विभाग का है, जिसमें बिहार विधि विभाग कालावधि दिनांक 7/9/2021 के निर्देशन के आलोक में कार्यवाही को स्वीकृति दी गई है। 29वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने को जो है कि निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 16/8/2024 को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। 30वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग का है, बिहार के महिलाओं को होने वाली सर्वाइकल कैंसर की बीमारी के बचाव हेतु 9-14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं को ह्यूमन पीपोलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराने को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना को स्वीकृति दी गई है। और 31वां प्रस्ताव वित्त विभाग का है, बिहार सेवा सहित जो है कि 21 के प्रविष्ट 3 में कार्याध्यक्षों कार्यालय अध्यक्षों को स्वीकृति 33 पदों के अनुसार महाधिवक्ता कार्यालय बिहार को जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार कुल 31 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसको जो है कि लागू किया जाएगा और जो है कि भोजनावकाश के बाद बाकी के प्रस्ताव पर जो है कि सरकार विचार करे, यदि डालती है तो अच्छी बात है, अन्यथा अगली जो है कि कैबिनेट की बैठक का इंतजार ही सभी को करना होगा। जय हिंद, जय भारत।